देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आज मकर संक्रांति है। पूरे देश में मकर संक्रांति का पावन स्नान चल रहा है। राजधानी रायपुर में भी महादेव घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर स्नान दान का बेहद महत्व है। आज से सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा और पावन नदियों में स्नान कर दान करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध कर उनके सिरों को काट कर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के रूप से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इस दिन शनि देव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर तिल, कंबल, घी आदि का दान करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर संपत्ति आदि प्रदान करते हैं। इसके अलावा पतंग उड़ाते समय व्यक्ति का शरीर सीधे सूर्य की किरणों से संपर्क में आता है, जिससे उसे सर्दी से जुड़ी कई शारीरिक समस्याओं से निजात मिलने के साथ विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बता दें, विटामिन डी शरीर के लिए बेहद आवश्यक है, जो शरीर के लिए जीवन दायिनी शक्ति की तरह काम करता है। आज मकर संक्रांति है। इस मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है।